नमस्कार, पुलिस की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज। शिवपुरी जिले के खनिया थाना पुलिस ने रेडी चौराहे के पास एक गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खनिया थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद से पुलिस टीम ने रेडी चौराहे के पास दुकान के पास बैग लिए खड़े एक युवक की तलाशी ली गई। आरोपी के बैग से पुलिस ने 6,500 रूपये की कीमत का 650 ग्राम गांजा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विमल लोधी पुत्र ब्रेकभान लोधी 35 वर्षीय बताया था। इसी के साथ पकड़ा गया आरोपी पिछोड़ थाना क्षेत्र के श्रीनगर गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने थाना पिछोड़ जिला शिवपुरी का होना बताया। पुलिस गांजे के संबंध में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की खास रिपोर्ट। कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रेडी चौराहे पर ग्राम श्रीनगर का विमल लोधी अवैध रूप से सूखा गांजा बिक्री कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर रेडी चौराहे पर दबिश दी गई। आरोपी विमल लोधी के कब्जे से 650 ग्राम गांजा सूखा तथा 400 रुपये नगद बरामद हुए हैं। आरोपी के विरुद्ध NDPC के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से गांजा मिलने के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।